नमस्ते, कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया। अपना बताइए। और नीलम जी, बड़ा मुस्कुरा तड़ू। हाँ, क्योंकि हम शूट पे हैं तो मुस्कुराएंगे नहीं, रोएंगे का? हम तो कुछ और सुन रहे थे, क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड मिल गया है फिर से। हाँ, बॉयफ्रेंड फिल्म के अंदर मिल गए हैं। कहीं रियल वाला वही तो नहीं है? रियल वाला? हाँ, अब नहीं बताएंगे। छोटू जी, इनको रियल वाला कोई मिल गया है? आपको कोई आपत्ति है? इनको नीलू जी को नहीं, मुझे क्या आपत्ति है? पक्का? तो खुशी है। अच्छा, इनका रियल वाला मतलब तुम्हारा हीरोइन कोई दूसरा लेके जाए, तोहरा अच्छा लगता है? हमके तो यही अच्छा लगी। हाँ। में हमार हीरोइन सिर्फ हम ही अपना हीरोइन के लेके जा सकते हैं। हाँ, तो ये अभी थोड़ा देर पहले कहते कि हमार मिल गिल बा। मिल गिल राजा। हमको भी अपनी रानी मिल गई। अच्छा जी, मतलब दोनों दो रास्ते में निकल गए हो? नहीं नहीं, इस फिल्म में एक ही रास्ते पे है हम। ऐसा तो नहीं है कि दोनों घर में झगड़ा कर लिए हो आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दोनों लोग देखिए, झगड़ा जहाँ होता है वहाँ प्यार होता है, हम बता दे रहे हैं फिर से। अच्छा, ये बड़ा मजमा लगा, भीड़ लग रहा है। कौन फिल्म शूटिंग करता है आजकल? अभी हमने के दुलरुआ फिल्म शूटिंग कर रहा बनी जा, जो कि एगो बहुत पारिवारिक फैमिली ड्रामा और थोड़ा सा अलग हट के। सब लोग बोलते हैं कि अलग हट के है, लेकिन ये रियल में एक पब्लिक के बीच मैसेज जाने वाला है कि ऐसा भी हो सकता है और होता था तो इसके बाद क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छी फिल्म। क्या नीलू जी, सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पारिवारिक फिल्म है, हम लोग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, मतलब अभी से पति के में हाँ में हाँ मिला लगलू। ये भगवान जी, हम लोग सेट पे है, शूट कर रहे हैं और फिल्म की स्टोरी की बात हो रही है। अच्छा, ऐसा बात है। नहीं, हमें लगा लगे कहीं वो ना पति जो हो, पति के बाद हर कोई सही हो या गलत हो, पत्नी पति का बात। हाँ। मानना पत्नी का कर्तव्य होता है, ये हर औरत। ये कौन सा कर्तव्य लगा, पति झूठ बोले तो पत्नी करो कि हाँ? अगर रियल लाइफ में, अच्छा रियल लाइफ में पति सच, हमको लगा रियल लाइफ चल रहा है, रियल लाइफ हमको पता नहीं था। और क्या होता छोटू जी? सब अच्छा ही बा। शूटिंग आज शूटिंग के दूसरा दिन बा, और फिल्म के राइटर बानी हमारे सबके प्रकाश मिश्रा बैरागी जी, और हमारे अपोजिट बानी नीलू शंकर सिंह जी, श्रेया मिश्रा जी, कुणाल सिंह, मतलब दो दो को हीरो को संभालते हो जी? ऐसा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दो दो हीरोइन को संभालना पड़ता है, नहीं तो रियल लाइफ में तो एक ही को संभाल लिया समझिए कि 33 करोड़ देवी देवता को खुश कर दिए। ठीक। और हमारे कुणाल सिंह जी हैं जो भोजपुरी के, अब उनके बारे में महानायक, ये हमारी सौभाग्य है कि उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर चंदन सिंह जी, और इस फिल्म में कोरियोग्राफर और एंड कॉमेडियन हमारे आदरणीय महेश आचार्य जी हैं, और हीरो जैक्सन जी हैं, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रमेश सिंह जी। और एक बहुत ही अच्छी फिल्म हम लोग बना रहे हैं और दर्शकों को खूब पसंद आया। क्या लगता है कितना दर्शक इसको पसंद कर सकते हैं स्टोरी को लेके? बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली ड्रामा तो मतलब ऑलरेडी अब तो आ ही रही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हट के है। फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक अलग मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में कि अगर स्क्रिप्ट तो नहीं बता सकते। अच्छा, हमको जानकारी मिलेगा, आप गाना भी गाते हैं? जी, गाना भी हम गाते हैं। तो कहाँ नया होली में कहाँ नया नगमा लिखा हो? तो होली में अभी गाना गाए हैं एक दो थे। हाँ। अभी शूटिंग में थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन एक दो दिन में उसका ऑडियो रिलीज हो जाएगा, वीडियो भी एक सप्ताह के अंदर उसका। पहला कौन गाना रहे जो होली में तो पहला गाना ही रहे, याद है कोनो लाइन? हाँ, जरा सुनाई जरा करके। 2014 में एक तो गाना हम गाए थे कि होलिया में लागल बटे मरद के मेला, आयो सब के होली तो हर कोटी ना अकेला, कि कोई संचाही मरद बोला हाली हो, कि जैसन मरदा खो जाबू तू ओसन हम देवी सुन साली हो। और एक और उसमें गाना था जो हमारे घर परिवार में वो सब लोग औरतें गाती हैं कि जही अंगना बैठली सहली सोनाली रघु नंदन हरी, कि ताही अंगवा रंगवा डाले अरे जी जा होई छोटू रघु नंदन हरी। नीलू जी, तो आपको साली बना दिए अब मैं तो मेहरारू तो को बना ली है? नहीं, 2014 में जो गाना गाए थे
अच्छा उसमें हम अपनी साली यार जाके ना ये हमरे ऊपर। अच्छा मान लीजिए रियल आदमी का साली अगर बनना हो साली क्यों बनेंगे, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। अच्छा साली बनने की कोई गुंजाइश? कोई इंडस्ट्री की लड़की इनसे शादी कर ली तो साली होगी ना? ना हाँ। मतलब दूसरा कोई शादी करे उससे पहले तू शादी कर ही ले? ना भाई ना जीजा, सिर्फ दोस्त।